गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आज आपको टेलरिंग बी ऑप्शनल पेपर यूनिट वन का टॉपिक वेरियस पार्ट्स ऑफ स्विंग मशीन के बारे में बताऊंगी। पहले जान लेते हैं स्विंग मशीन के बारे में। सिलाई मशीन का आविष्कार फ्रांस के एक गरीब दर्जी ने प्रारंभ में लकड़ी की एक सीधी साधी मशीन बनाकर सन 1830 में किया था। 1848 तक पुर्जे धातु के बनने लगे थे और मशीन में काफ़ी सुधार किया जा चुका था। और फिर 1891 में सिंगर नाम के एक व्यक्ति ने एक अच्छी किस्म की सिंगर मशीन का आविष्कार कर सिलाई की दुनिया में क्रांति ला दी। भारत में सर्वप्रथम 1935 में उस मशीन का कारखाना स्थापित किया गया। अब तो यह वर्ष में कई तरह की कई हजारें मशीनें तैयार होती है। भारत से बाहर भी इनका निर्यात किया जाता है। अब हम इसके पार्ट्स को देखेंगे। वेरियस पार्ट्स ऑफ स्विंग मशीन, पैर रखने वाला पैंडल, फुट पैंडल, मशीन की गति को नियंत्रित करें जो उस पर लगाए गए बल पर निर्भर करता है, लेकिन यह उच्च गति सिलाई मशीनों का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है, क्योंकि मशीन को एक एकल समायोजन द्वारा सेट किया जा सकता है और सिलाई मशीन का प्रारंभ और स्टॉप एक बटन के साथ नियंत्रित होता है। पावर कोड और स्विच, पावर कोड एंड स्विच मशीन के लिए बिजली पावर कोड द्वारा आपूर्ति की जाती है, जिसे बिजली की निरंतर आपूर्ति के लिए मशीन से कसकर जुड़ा होना चाहिए। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत रूप से सिलाई मशीन के चालू और बंद करने के लिए किया जाता है। हैंडव्हील हाथ का पहिया, यह सुई के तहत स्थित कपड़े को बेहतर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए मैन्युअल रूप से सिलाई सुई को धीरे धीरे ऊपर उठाने और कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। बॉबिन के अंदर कल्पलाएं नॉब पोजीशन एक सेफ्टी फीचर के रूप में काम करती है। जब नॉब को बाहर निकाला जाता है तो यह सुई से बचता है और ऊपर से नीचे की ओर वाइंडिंग करता है। रिवर्स लीवर, यह मशीन के सामने की ओर स्थित होता है। इसका उपयोग इसे सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक सीम के अंत में सिलाई करते समय रिवर्स स्टिचिंग बनाने के लिए किया जाता है। स्पून पिन एंड होल्डर, चम्मच पिन और धारक, यह सिलाई थ्रेड दिशा को नियंत्रण करने के अलावा सिलाई धागा रखती है, क्योंकि यह मशीन के माध्यम से की जाती है। बॉबिन बाइंडर, इसका उपयोग खाली बॉबिन पर बॉबिन धागे को हवा देने के लिए किया जाता है। बॉबिन बाइंडर को मशीन के शीर्ष या दाई ओर स्थित किया जा सकता है। पैटर्न चयन करता, पैटर्न
सेलेक्टर, इसका उपयोग कपड़े पर सिलाई करने के लिए स्विच की तरह तय करने के लिए किया जाता है। इस तरह के एक सीधे टाके या जिग जैग या कढ़ाई सिलाई मशीन के आधार पर टाके की एक किस्म को सीधे टाके के बगल में चुना जा सकता है। टेंशन डिक्स धागा टेंशन सिलाई के ढीलेपन या दृढ़ता के निर्धारित करता है। टेंशन सुई मशीन सुई के लिए समान फीड के लिए धागे पर लागू कर दबाव को नियंत्रण करती है। टेंशन उपकरणों के मुख्य कार्य, सुई में धागा मिल सकता है, धागे के प्रभाव को नियंत्रित कर चिकनाई और सिलाई बनाए रखें, थ्रेड पास को ठीक से नियंत्रित करें। टेंशन डिवाइस करने के प्रकार, टेंशन डिवाइस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टेंशन डिवाइस और सेकेंड इनडायरेक्ट टेंशन डिवाइस। दोनों प्रकार के प्रेशर डिक्स, टेंशन स्प्रिंग और थंब नट, टेंशन माउंटिंग बार और प्रेशर रिलीजिंग यूनिट जैसे भाग होते हैं। सुई और सुई क्लैंप, नीडल एंड नीडल क्लैंप, सुई जो है सुई बार में फिट होती है, जो इसे एक छोटे स्क्रू के साथ रखती है। सुई क्लैंप का उपयोग जगह में सुई को ठीक करने के लिए किया जाता है। टेकअप लीवर, सिलाई के दौरान ऊपर और नीचे की ओर बढ़ता है और लूप बनाते समय अतिरिक्त धागे को बाहर निकालता है और सिलाई को सेट करने के लिए प्रत्येक स्टिचिंग के बाद सुई के धागे को वापस ले जाता है। यह एक इष्टतम स्तर पर सुई धागा तनाव को विनियमित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रेशर फुट फिट डॉग, इसका शीर्ष काउंटर से फिट कुर्ते को कपड़े को पकड़ने के लिए किया जाता है, इसीलिए फिट डॉग कैप कपड़े को मशीन के माध्यम से आगे बढ़ाता है। यह सामग्री पर नीचे की ओर दबाव लागू करता है क्योंकि यह सुई के नीचे होता है। प्रेशर डायल प्रेशर फुट के माध्यम से कपड़े पर बढ़ाए जाने वाले दबाव की मात्रा को निर्धारित करता है। हल्के वजन वाले कपड़े सिलाई और इसके विपरीत कपड़े के बेहतर नियंत्रण के लिए उच्च दबाव की आवश्यकता होती है। फिट डॉग घटक की तरह एक दांत होते हैं जो कपड़े को एक सिलाई द्वारा परिवहन करने के लिए दबाव पैर के साथ जोड़ती है। यह भी सिलाई को समायोजित करके लंबाई को नियंत्रित करता है। थ्रोट प्लेट, यह सुई के लिए बॉबिन के माध्यम से जाने के लिए एक छेद है जो दिशा निर्देशों को स्थानांतरित करने
और सिलाई करने के लिए फिट डॉग के लिए स्टाइल्स की एक जोड़ी है। यह एक हटाने योग्य हिस्सा है जो सिलाई मशीन के बॉबिन और नीचे को कवर करता है। प्रेशर फुट लीवर, यह धीरे से फीड डॉग के अगेंस्ट कपड़े पर दबाने वाले यंत्र संलग्न करने और बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब यह उनकी स्थिति में होता है तो तनाव डिस्क के विच्छेदित होता है और इसके विपरीत होता है। स्लाइड प्लेट, यह एक प्लास्टिक आवरण है जो बॉबिन केस को गंदगी और धूल से बचाता है। यह बॉबिन को बदलने और इस क्षेत्र में किए जाने वाले उच्च रख रखाव कार्यों के लिए सिलाई मशीन के तहत बॉबिन जोन तक पहुंचाने के लिए खुली जगह भी देता है। बॉबिन केस, यह एक ऐसा काम है जहां बॉबिन को फिक्स किया जाता है। यह सुई प्लेट के नीचे पाया जाता है और आमतौर पर प्लास्टिक का एक टुकड़ा होता है जो सिलाई नहीं होने पर बॉबिन केस को कवर करने के लिए क्लिप करता है। विभिन्न सिलाई मशीनों में बॉबिन केस से विनिमय नहीं है। बॉबिन एक छोटा पैकेज है जिसमें धागा को लपेटा जाता है और बॉबिन केस में फिट किया जाता है। बॉबिन बाइंडर पर फिल्ड होते हैं और थ्रेड को बॉबिन पर समान रूप से विपरीत किया जाना चाहिए। फेस प्लेट, यह एक आवरण है जो सिलाई मशीन के सभी आंतरिक काम करने वाले तत्वों को छुपाता है। सिलाई लंबाई समायोजन, स्टिच लेंथ एडजस्टमेंट, सिलाई की लंबाई निर्धारित करती है। मशीन पर सीमा 0 से 4.0 तक सबसे छोटी सिलाई है और 4 सबसे लंबी है। सिलाई की लंबाई का समायोजन टाके की लंबाई को समायोजित करता है। सिलाई मशीन फीड डॉग पर समायोजन होता है, मशीन की सुई नहीं। इस तरह से टाइप्स ऑफ वेरियस पार्ट्स मशीन के हैं।